स्कूल के पास आ गए हैं, जा रहे सोनी के स्कूल। सोनी का स्कूल है हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ शिव गुरु के आशीर्वाद से। और अभी हम देखिए खाना बना रहे हैं, देखिए चावल बना लिए हैं, धनिया पत्ता का चटनी बनाए हैं, ये आलू का चोखा बनाए हैं और मछली खाली भून रहे हैं तेल में। हाँ सुहानी का वही तो इसमें रखें। हाँ झूरी में देखिए पैकेट है दवाई का, इसमें इसमें इस झूरी में देखिए। तो और ये दाल बना लिए हैं और मछली अभी भून रहे हैं, थोड़ा सा जल भी गया है मछली का तेल से। मछली का माथा जब भी भूनते हैं ना छटकता है वाला ना, जैसे डाले वैसे तेल छटका है, तो हाथ में गिरा है, हाथ हल्का फुल्का जल गया है। तो अभी हम देखिए खाना वाना जल्दी से बना लिए, अभी हम जा रहे हैं लड़की का स्कूल, सुहानी का स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि सुहानी का कल इंजेक्शन दिला के लाए थे जो बिल्ली नोच दिया था, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, दर्द कर रहा है पैर, मतलब बहुत ज़्यादा फूल गया है और चलने नहीं सक रही है, खाली रो रही है। तो आज उसका एग्ज़ाम था तो नहीं जा पाई है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए उसका स्कूल में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सुहानी का ये लास्ट एग्ज़ाम था तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि चल ही नहीं पा रही है तो कैसे जाएगी स्कूल, एकदम उठने नहीं सक रही है, बाथरूम भी जाने नहीं सक रही है, चलने नहीं सक रही है, मैंने इतना फूल गया है और इतना दर्द कर रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं स्कूल का टीचर से बात करने के लिए कि मैं लड़की एग्ज़ाम देने नहीं सकेगी। तो देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग को सभी दिखाएंगे। अभी देखिए मछली भी भूनेंगे, ये कच्चा है, नमक हल्दी लगा के रखे हैं और बाकी तो भून रहे हैं। देखिए गाइस कैसे लाल हो गया, पूरा पैर लाल हो गया है और एकदम फूल गया है, देख रहे पूरा फूल गया है। अरे देखिए बिल्ली जो नोचा था, रुक ना रे, ठीक से ठीक रे, अरे हाथ नहीं दे रही रे बाबा। देखिए नोचा हुआ है, बिल्ली का दाग है नोचने का, और देखिए इंजेक्शन के चलते देखिए लाल हो गया पूरा पैर और फूल गया है। टच करने से तो रो रही है, अभी मलहम लगा रही है सुहानी, और उसका भाई लग रहा है देखिए अपना दीदी के साथ, सुहानी रो रही है तो उसका मजाक उड़ा रहा है। देखिए गाइस डेढ़ बज गया है, चलिए ना तैयार होइए जल्दी से, हम तो तैयार हो गए, कभी क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं, फट रहा है टोटल समझ कर बोया कर काहे लगा रहे दीदी से, खाली फट रहा है मछली का माथा जब भूनेंगे एकदम फटता ना छिटकता है, हल्का फुल्का जल गया। जानू अभी नहाने गए हैं, नहा कर आएंगे तब निकलेंगे, और हम एक तरफ मछली घूम रहे हैं, खाना वाना बना के जा रहे हैं, जाएंगे फिर वहाँ से दीर का भी स्कूल जाना है, बुक लाने जाएंगे दीर का स्कूल। दीर का स्कूल सुहानी का स्कूल सामने ही है, सामने सामने ही है, तो वहाँ से दीर का भी स्कूल चल जाएंगे और सुहानी का भी स्कूल चल जाएंगे। सुहानी का डॉक्टरी कागज ले लिए हैं, कल जो दिखाए थे डॉक्टर को इंजेक्शन जो ली थी सुहानी, तो वाला कागज ले लिए हैं तो दिखा देंगे डॉक्टर को, सॉरी स्कूल का टीचर को। हम और मेरा जानू जा रहे हैं, पहले सुहानी के स्कूल जाएंगे फिर वहाँ से वीर का स्कूल जाएंगे। ठीक है निकल रहे हैं, हेलमेट पहन ले पहले, बाहर बहुत गर्मी है, एकदम जाने मन नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहे हैं बहुत गर्मी है बाहर में, देखिए कितना करकरिया धूप, बहुत गर्मी है, लेकिन जाने होगा बच्चे लोग के लिए। चलिए सुहानी के स्कूल, अंदर का तो वीडियो नहीं बना पाएंगे, सुहानी का स्कूल है। A few moments later, हम स्कूल गए, हेड सर से बात किए, हेड सर बोल रहा है जो ये काउंसिल का एग्ज़ाम है खाली अटेंडेंस करना ज़रूरी है, जैसे भी करके व्हील चेयर में हो जैसे भी हो बेटी को लेके आओ। डॉक्टरी कागज़ दिखाए लेकिन सर बोल रहे हैं हम लोग का हाथ में नहीं है, आपको एग्ज़ाम दिलाना ही होगा, खाली एब्सेंट नहीं हो पेजेंट हो जाए, हम लोग नंबर वंबर सब करा देंगे, वैसा बात नहीं, खाली पेजेंट होना ज़रूरी है, बाकी नीचे व्यवस्था कर देगा बोला है, नीचे एग्ज़ाम दे देगी, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर मैंने नहीं चढ़ने होगा,
जैसे भी करके आप ये एग्ज़ाम दिला दीजिए, नहीं दिलाइएगा तो ये एक साल उसका बेकार हो जाएगा। लेकिन फ़ोन किए मेरे एक देवर को, उसको बोले हैं लेके आने के लिए, सुहानी को देखते हैं। लग जी मैं देवर का समय नहीं रहेगा तो ओला बाइक में आ जाएगी सुहानी, चलने ही नहीं सक रही, क्या बोलेंगे, एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है, आज ही ये सब होना था, बल्कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। सर बोल रहा कैसे भी करके आप लेके आइए, वेल चेयर में भी लेके आइए, लेकिन लेके आके एग्ज़ाम खाली दिला दीजिए, ना तो एक साल लड़की का बर्बाद हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे वीर का स्कूल में, बुक लेने के लिए जा रहे वीर का। वीर का स्कूल पहुँच गए हैं, देखिए वीर का स्कूल है, वेट कर रहे हैं गाइस, दीवार लेके आएगा सुहानी को, तो हम लोग स्कूल नहीं है, स्कूल में बैठे सुहानी आ गई। तो सुहानी का एग्ज़ाम हो गया है गाइस, और सर लोग बहुत ही अच्छे थे, टीचर भी बहुत अच्छे थे, बहुत सुविधा दिए हम लोग को, सुहानी को बहुत ही सुविधा दिए। और अभी हम लोग, सुहानी चली गई बाइक में बैठ के, और अब हम जा रहे हैं, जानू गाड़ी निकाल रहे हैं। और वीर का स्कूल में भी बात कर लिए हैं टीचर से, तो दो तीन दिन बाद बुलाए हैं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है बच्चा लोग का। सुहानी सुहानी का दोस्त है, सुहानी को छोड़ देगा घर तक। राजा बाजार मार्केट है, देखिए घर पहुंच गए गाइस, देखिए 4:30 बज चुका है, 4:40 हो गया, अभी हम लोग घर आए हैं सुहानी को एग्ज़ाम दिलाकर। तो हम आज जानू तो बाइक में आए हैं, और सुहानी का दोस्त सुहानी को लेकर आ रहा है। सर लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी था, तो एग्ज़ाम दे दी जैसे भी, और एग्ज़ाम अच्छा अच्छा किया, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। सुहानी आ गई स्कूल से, टाइम देखिए, तो खाना तो बना कर गए थे गाइस, खाना खाए नहीं, अब जा रहे खाना खाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, पैर हाथ धोएंगे। सुहानी कपड़ा चेंज करो, मुँह धो लिए, अच्छा खाना निकाल रहे हम लोग, क्या चेंज करके आते हैं। नहा हुआ के खाना वाना खा लिए हैं गाइस, गैस वो सब पूछ लिए हैं, और अब जा रहे बर्तन धोएंगे, देखिए बर्तन निकाले हैं, बर्तन धोएंगे, ये पानी भर रहे हैं, नल में पानी आ गया है, ठीक है अब शाम को मिलते हैं गाइस, जा रहे काम कर लेते हैं। शाम हो गया था तो हम चाय बनाए थे शाम को, तो पी लिए हैं, रात का खाना बना रहे हैं, चना दाल बना रहे हैं, चना दाल और रोटी, तो आटा सान लिए हैं, रोटी बनाएंगे, और यहाँ दाल गरम कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, आप अगर मेरे ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट आप सभी को।